हेलो एवरीवन, स्वागत है बेटा आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। और बच्चों आपको याद होगा कि हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ रहे थे और मैंने आपको उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हुए किस तरीके से आप बहुत आसानी से लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा या रिलेटिव मिनिमा की वैल्यूज बता सकते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर मान लीजिए आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है, तब भी आप मैक्सिमा मिनिमा पर कमेंट कर सकते हैं यूजिंग इट्स ग्राफ, ठीक है। और आप बता सकते हैं कि मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का पॉइंट है, कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है, कि इन्फ्लेक्शन है, ये सारी बातों पर चर्चा हमने की। तो चलिए अपने आज के शानदार बेटा जो लेक्चर है उसकी शुरुआत करने के पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि आज के लेक्चर में बेटा बहुत जबरदस्त कंसेप्ट्स आने वाले हैं। एक से एक मैं आपको आज सवाल करवाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ करने के पहले एज यूजुअल, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिख रहा होगा। उसे ज्वाइन करने से आपको दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज बच्चों ये है कि अक्सर मेरे पास बच्चों का ये फीडबैक आता है कि सर क्योंकि आप एक दिन में मल्टीपल लेक्चर्स पोस्ट करते हैं तो हमारा कोई ना कोई लेक्चर छूट जाता है या हमें पता ही नहीं चलता कि लेक्चर आज पोस्ट हुआ भी। क्योंकि बेटा एक दिन में आइडियली मैं एक यूट्यूब शॉर्ट, एक क्लास 11th का वीडियो, एक क्लास 12th का वीडियो प्रयास करता हूं कि अपलोड करूं। तो ऐसी स्थिति में अब होता क्या है, ऐसी स्थिति में बेटा आपका टेलीग्राम चैनल आपको बहुत मदद करता है, जहां पर एग्जैक्टली उसी समय जब मैं एक यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता हूं तो सेम टाइम पे मैं टेलीग्राम पे उसका एक क्रिएटिव भी शेयर करता हूं, ताकि आप बच्चों को हमेशा इस बात की जानकारी रहे कि कौन से दिन कितने बजे कोई नया लेक्चर पोस्ट हुआ है और वो किस टॉपिक का है। यह सारा इंफॉर्मेशन आपके टेलीग्राम चैनल पर जाता है। दूसरा बच्चों इसमें अपने पास एडवांटेज है, जो कि शायद सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो क्या है, वो ये है कि यार यहां पर तो मैं आपको बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा बेटा पर्सनली लगता है कि यार आपको और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं अक्सर ये बात क्लेम भी करता हूं कि शायद मेरे जितने अच्छे सवाल और इतने सारे सवाल कोई भी आपको और नहीं कराएगा। आप किसी भी टीचिंग नोट्स को ओपन करके देख सकते हैं, कोई भी बच्चे का क्लास नोट्स जो हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ रहा है आप उसके क्लास नोट्स खोल के देख लीजिए, आपको इतने सारे सवाल एक साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी बेटा अगर आपको सेलेक्ट होना है, मेंस और एडवांस का पेपर क्लियर करना है, तो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो सारे सवाल कहाँ मिलेंगे, अगेन जवाब वही है आपके टेलीग्राम चैनल पे। तो जल्दी से उसे ज्वाइन करिए, ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिख रहा है। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे होंगे तो आपको बच्चों ये भी बात दिखाई दे रही होगी कि यार वहां पर तो एक यूट्यूब चैनल का भी लिंक है। तो वो यूट्यूब चैनल बेटा मेरा पर्सनल चैनल है। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी जर्नी के दौरान ऐसे कई बार इंस्टेंसेज आएंगे जब आपको डीमोटिवेशन लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं पेपर सॉल्व होगा या नहीं होगा, अपन क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए, ये सारी चीजों को बेटा पार करने के लिए वो चैनल है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वीडियोज आएंगे, मोटिवेशनल वीडियोज आएंगे जो आपको इंस्पायर्ड रखें और चार्ज्ड अप रखें, ताकि आपकी जर्नी जो जेई की है वो बहुत आसान हो जाए। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के लेक्चर की। और अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है मेरे लेक्चर से तो जल्दी से बच्चों इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए अपने पास बेटा, मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता भी रहा था, मैं एक बार दोबारा ही बता देता हूं कि अगर कभी मान लीजिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो ग्राफ के थ्रू बहुत आसानी से आप कैसे देख सकते हैं, है ना। तो आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। मैंने ऑल्दो ये चीज लास्ट लेक्चर में तो क्लियर कर ही दी थी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप इसको नोट डाल के लिख लीजिए कि if fx is not continuous at x equal to a, if fx is not continuous at x equal to a, it is advisable if fx is not continuous at x equal to a, it is advisable to draw the graph of the function, it is advisable to draw the graph of the function, the graph of the function, it is advisable to draw the graph of the function in the vicinity of the point, in the vicinity, vicinity matlab agal bagal, in the vicinity, to draw the graph of the function in the vicinity of the point x equal to a, vicinity of the point
एक्स इक्वल टू एट, इसके आप अगल बगल बेटा एक बार ग्राफ बना के देखें, बिकॉज द ग्राफ वुड गिव अस अ क्लियर पिक्चर, बिकॉज द ग्राफ वुड गिव अस द क्लियर पिक्चर. आपको एक बेटा क्लियर पिक्चर मिलेगी, बिकॉज द ग्राफ वुड गिव अस अ क्लियर पिक्चर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और वहां पर आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव टेस्ट है वो नहीं कर सकते, तो एडवाइसेबल होता है कि आप उसका ग्राफ बनाएं और ग्राफ के थ्रू आप एक बार ऑब्जर्व करें, ग्राफ के थ्रू आप ऑब्जर्व करें कि यार यहां पर एक्चुअल सेंस में मैक्सिमा और मिनिमा है भी या नहीं. ग्राफ तो आपको बता ही देगा, ठीक है. अबाउट द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है क्या. जैसे देखिए बच्चों, मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं, ठीक है. अब जैसे अगर मैं आपको यहां पर एक ग्राफ बना के दिखाऊं कि ये अपने पास अपना कार्टेशियन प्लेन है, ये आपके पास एक लाइन है इस तरीके से, यहां पर इसमें यहां पर ये डार्क हुआ हुआ है और ये ऐसे हॉलो है और ये एक लाइन है, ठीक है. एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए, ये अपने पास पॉइंट. अब क्लियरली बच्चों, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, फंक्शन आपका डिस्कंटिन्यूअस एक्स इक्वल टू ए पे, तो आप यहां पर डेरिवेबिलिटी टेस्ट तो नहीं लगा सकते, ये बात तो श्योर है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यार एक्स इक्वल टू ए के बगल में देखूंगा तो इससे छोटी वैल्यू है, इस बगल में देखूंगा तब भी इससे छोटी वैल्यू है. इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए इज अ मैक्सिमा पॉइंट, एक्स इक्वल टू ए पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा. ये बात बेटा समझ में आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन है एफ ए जो है इट इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच, अपने बगल वाले से बड़ा है, और एफ ए जो है वो बड़ा है एफ ए प्लस एच से भी, अपने इस बगल वाले से ही बड़ा है. तो अगर वो अपने दोनों अगल बगल वालों से बड़ा है तो उस जगह पर सबसे बड़ी वैल्यू वही है, और अगर उस जगह पर सबसे बड़ी वैल्यू वही है इसका मतलब यहां पर आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा. सिमिलरली अगर मान लीजिए बेटा मेरे पास कुछ ऐसा इसमें ग्राफ होता कि यहां पर अपने पास है ये हॉलो है और उसके बाद ये ऐसा है ये भी हॉलो है और यहां पर आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास पॉइंट है, और मैं अगेन आपको बोल रहा हूं दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए, तो क्लियरली आप देख सकते हैं. देखिए अगर आप बेसिक डेफिनेशन से जाएं तो x इक्वल टू ए के इस बगल में वैल्यू उससे बड़ी है, इस बगल वाली वैल्यू उससे बड़ी है, फंक्शन आपका डिस्कंटिन्यूअस है, ये बात बिल्कुल श्योर है. तो क्योंकि आपका फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है तो आप डेरिवेबिलिटी टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बात 100% बोल सकते हैं कि x इक्वल टू ए इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा. क्यों मिनिमा का पॉइंट है, क्योंकि एफ ए का वैल्यू जो है वो एफ ए माइनस एच से भी छोटा है, ए माइनस एच से छोटा है, और एफ ए का जो वैल्यू है वो एफ ए प्लस एच से भी छोटा है, उसके इस साइड वाले से भी छोटा है और उसके इस साइड वाले से भी छोटा है. इसका मतलब x equal to a will be the point of minima. बहुत obvious ही बात है. सिमिलर पैटर्न है बेटा, अगर मान लो मैं आपके लिए एक ग्राफ बना के बोलूं कि यार हमारे पास एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, यहां पे हॉलो है, ये क्लोज्ड है, और ये अपने पास ग्राफ है. अगेन अब बेटा अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो x equal to a वाला पॉइंट है हमारे पास, द पॉइंट ऑफ x equal to a, तो इसमें ऑब्जर्व क्या हो रहा है, हमें इसमें ऑब्जर्व हो रहा है कि यार इससे जस्ट पहले वैल्यू बड़ी है, इसके जस्ट बाद वैल्यू छोटी. ये जो x इक्वल टू ए वाला पॉइंट है इससे जस्ट पहले वैल्यू बड़ी है और उसके जस्ट बाद में वैल्यू आपके छोटी. तो अगर इसके बेटा जस्ट पहले वैल्यू बड़ी और इसके जस्ट बाद में अगर वैल्यू छोटी है, इसका मतलब दिस इज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा. ना ही इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन की तो मैं बात ही कब करता, जब डेरिवेटिव उसका जीरो होता. अभी तो आप डेरिवेटिव की इसमें बात ही नहीं कर सकते, डिस्कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो इट इज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, ठीक है. तो ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है ही नहीं, है ना, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम. उसी तरीके से मान लो बेटा अगर अपने पास ये ग्राफ ऐसा बना हुआ होता, ये अगर बेटा अपने पास ऐसा ग्राफ बना होता, यहां हॉलो और ये इस तरीके से ग्राफ होता, तो इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं यार जो पॉइंट है इससे जस्ट पहले वैल्यू बड़ी है, इसके जस्ट बाद वैल्यू छोटी है. दिस इज ऑल्सो नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, ये दोनों सेम है.
ये दोनों में ही बेटा ये चीज आ जाएगी, ये दोनों ही पॉइंट्स पे, ये दोनों ही ग्राफ में ना ही आपके पास लोकल मैक्सिमा आएगा और ना ही बेटा आपके पास इसमें लोकल मिनिमा आएगा। तो आई होप आपको बच्चों ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बच्चों अपने पास इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, सवाल एक मैं आपको कराता हूँ। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि FX जो आपके पास बेटा कर्व है, इसकी मैं आपको ब्रांचिंग बता देता हूं। इसकी ब्रांचिंग अपने पास दी हुई है cos of pi x by 2 और अगली ब्रांच है x plus a। ऊपर वाली ब्रांच है cos of pi x by 2, नीचे है x plus a। This is for x greater than 0 and this is for x less than equal to 0। ये अपने पास ब्रांच दी हुई है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a इफ इफ x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये अपने पास बचा सवाल है, ठीक है। ये अपने पास बेटा देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से इसको ऑब्जर्व आप करेंगे जो लिखा है कि अगर मुझे बोला जा रहा है कि x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो यार जीरो माइनस पर जो वैल्यू होगी और जीरो प्लस पर जो वैल्यू होगी वो दोनों ही उससे क्या होनी चाहिए। अगर ये मैक्सिमा है तो जीरो माइनस और जीरो प्लस पे वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो आप समझिए बेसिक डेफिनेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशन है एफ जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच मस्ट बी लेस देन एफ जीरो एंड एफ जीरो प्लस एच मस्ट बी लेस देन एफ जीरो। ये बेसिक आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर बेटा अपन इसका ग्राफ देखें तो इसके ग्राफ में देखो अपने को क्या चीज समझ में आती है। थोड़ा ध्यान से इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब आप जीरो पर चर्चा करेंगे, जीरो पर, तो जीरो रखते ही यहां पर क्या मिलेगा, कॉस जीरो। जैसे आप यहां पर जीरो प्लस रखोगे तो जीरो प्लस रखते ही यहां पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना, कॉस जीरो। तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है। तो अगर कॉस जीरो वन होता है मतलब ये ग्राफ आपका यहां से चालू हो रहा है और इसके बाद आपका बेसिकली जो ग्राफ चल रहा है वो तो कॉस का ही चल रहा है। जैसे अगर मान लो एक्स की वैल्यू वन आपके पास होती तो एक्स की वैल्यू वन रखने पर आपके पास क्या मिलता, कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू जीरो मिलता। तो अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये cos का ग्राफ में जीरो आपके पास आता। और उसके बाद देखो बेटा जैसे ये आपके पास अलग अलग वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे, मतलब इस पैटर्न का ग्राफ होगा आपके पास। ये जो cos of pi x by 2 अपन ने बनाया ना, इस पैटर्न का आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है। पाई x by 2 में इस पैटर्न का हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। अब अगर ये हमारे पास ग्राफ बन गया, अब आपको बोला जा रहा है अच्छा x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू a होगी। तो जब आप x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू a होनी चाहिए। तो a की वैल्यू इसके नीचे कहीं पर भी हो सकती है, a की वैल्यू बेसिकली इसके नीचे कहीं पर भी हो सकती है। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 1, इसका स्लोप 1 है, मतलब ये आपके पास कुछ ऐसी लाइन होगी, ये आपके पास बेटा कुछ ऐसी लाइन होगी। ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। x इक्वल टू जीरो पर आपके पास ये जो पॉइंट आएगा, x इक्वल टू जीरो पर आपके पास ये वाला जो पॉइंट आएगा, आपको देखो क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि x इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब अगर x इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि देखो अगर आप ऐसा वाला ग्राफ बनाओगे ना तो ये सब गलत है, ये सब गलत होगा। क्यों, क्योंकि अभी आप अगर x इक्वल टू जीरो पर देखेंगे तो जीरो के जस्ट बाद वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जा रही है, जीरो के पहले इससे छोटी वैल्यू है लेकिन जीरो के बाद इससे बड़ी हो जा रही है वैल्यू। इसका मतलब बेटा आपका ये जो पॉइंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। बेसिकली आप ये बोलिए कि जब आप x इक्वल टू जीरो रखेंगे, x इक्वल टू जीरो रखने पर आपको जो a मिलेगा, दिस पॉइंट विल बी जीरो कॉमा a, तो इसका खास बात क्या है कि दिस a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये वाला पॉइंट। जब आप जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, नहीं सॉरी जीरो नहीं, यहां वन आएगा बेटा, ये पॉइंट वन का है ना, कॉस जीरो जब आप रखते हैं तो वन आता है, ये वन का पॉइंट है। तो a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अगर बेटा a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आप बोल सकते हैं a के जस्ट पहले वाली वैल्यू उससे छोटी और a के बाद वाली भी वैल्यू उससे छोटी है। a की वैल्यू अगर आप 1 भी कर दिए, 1 भी अगर बेटा आप a की वैल्यू कर दिए तो उससे पहले वाली वैल्यू उससे छोटी होगी और उसके बाद वाली वैल्यू भी उससे छोटी होगी। लेकिन अगर बच्चों आप a की वैल्यू 1 से छोटी रखें तो 1 से छोटे रखने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली तो वैल्यू छोटी है लेकिन बाद वाली वैल्यू बड़ी है। तो आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, a मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा a बिलोंग्स टू 1 से इनफिनिटी। फाइनल आंसर बच्चों अपने पास आ जाएगा a बिलोंग्स टू 1 से इनफिनिटी।
ठीक है। मेरे हिसाब से यार देखो ऐसे सवाल होते हैं जो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे ही आपने एक बार इसका ग्राफ बनाया, देखो ग्राफ बनाते ही आपको ऑब्जर्वेशन एकदम क्लियर है कि आप अगर ए को वन से बड़ा रखोगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वन से बड़ा रखने पे, क्योंकि जब आप वन से इसको बड़ा रख रहे हैं तो वन से पहले मतलब जीरो से पहले वाली जो वैल्यू है वो भी छोटी है, जीरो से बाद वाली वैल्यू छोटी है। वन रखने में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पहले वाला भी छोटा है बाद वाला भी छोटा है, लेकिन अगर आप वन से छोटा कुछ भी रखते हो ए को तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि देखो इसके पहले वाली वैल्यू तो छोटी दिख रही है लेकिन इसके बाद वाली वैल्यू बड़ी है, तो मैक्सिमा नहीं आएगा। अगर आपको मैक्सिमा का पॉइंट चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एफ जीरो की जो वैल्यू होगी, एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी ना, तो एफ जीरो की वैल्यू जीरो माइनस एच से भी बड़ी होनी चाहिए और जीरो प्लस एच से भी बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास बच्चों इसमें सवाल लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन्वेस्टिगेट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन्वेस्टिगेट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन कौन से फंक्शन के लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना है, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल वन टू एक्स, वन टू एक्स और अंदर अपने पास लिखा हुआ है टू टाइम्स ऑफ टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू का क्यूब, टू टाइम्स ऑफ टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री टाइम्स ऑफ टी माइनस वन का स्क्वायर, थ्री टाइम्स ऑफ टी माइनस वन का स्क्वायर और इंटू टी माइनस टू का स्क्वायर, इंटू टी माइनस टू का स्क्वायर, ये लिखा है बेटा डी टी, ठीक है। आपको बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा का वैल्यू बताना है, मैक्सिमा और मिनिमा कहां पर हो रहा है और एग्जैक्ट उसकी वैल्यू क्या आएगी। अब यार ये अगर मेरे पास बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मुझे लेबनिट्स रूल पता है। लेबनिट्स रूल क्या बोलता है कि यार एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, अगर आप लेबनिट्स के हिसाब से जाएं तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आएगा, लेबनिट्स लगाते ही एक्स यहां नीचे तो टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन होता है और माइनस ये वाली जो पूरी चीज करोगे वन रख के कॉन्स्टेंट रखोगे बेकार होगे। तो एफ डैश एक्स आपके पास लिखा है, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मुझे यार दिखाई देता है कि एक्स माइनस वन कॉमन निकलेगा और एक्स माइनस टू का स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, तो अंदर आपके पास बचेगा टू इंटू एक्स माइनस टू सबसे पहले और एक्स माइनस वन बाहर निकला तो थ्री इंटू एक्स माइनस वन उसके बाद, ये आ गया। अब यहां से बेटा देखिए ध्यान से, ये आपके पास लिखा हुआ है बेसिकली x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर इंटू, इसको ओपन अप करते हैं तो दिस इज 2x माइनस फोर प्लस 3x माइनस थ्री, ये लिखा हुआ है 2x माइनस फोर प्लस 3x माइनस थ्री, तो ये क्या लिखा अपने पास, ये लिखा हुआ है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस सेवन, ये अपने पास पूरी चीज लिखी और ये आपके पास है एफ डैश एक्स, ये आपके पास है एफ डैश एक्स। अब अगर आपको बच्चों इसका क्रिटिकल पॉइंट चेक करना हो तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे चेक करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आप बोलेंगे सर एक तो है वन पर, यहां से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा सेवन बाय फाइव और एक आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएगा टू। अब आप सोच के बेटा देखिएगा, मैंने आपको बताया था मोनोटोनिसिटी में इन्फ्लेक्शन के भी पॉइंट आते हैं कई बार, तो थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें टू से बड़े पे, टू से बड़े पे ये पूरा पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम ही नहीं, टू से अगर मैं थोड़ा सा छोटा रखा, टू से एकदम थोड़ा सा छोटा, तो टू से अगर मैं एकदम थोड़ा सा छोटा रखूंगा तो देखो ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है ये तो अभी भी पॉजिटिव होगी क्योंकि सेवन बाय फाइव से तो बड़ा ही है, तो जैसे ही आप ये रखोगे तो यहां पे आपके पास थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, ये भी आपके पास पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है तो बैलेंस हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव है, तो टू से थोड़ा छोटा भी पॉजिटिव है। यार ये बात तो देखो तय हो गई कि अब आपके पास ये जो पॉइंट है दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है। क्यों इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है? क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट तो है लेकिन इस पर साइन चेंज नहीं हो रहा एफ डैश का, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब अगर बेटा आप सेवन बाय फाइव से थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, सेवन बाय फाइव से थोड़ा सा बड़ा, तो सेवन बाय फाइव से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो ये अभी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर लगा और ये भी पॉजिटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव। और उसके बाद 7 बाय 5 से अगर मैं थोड़ा सा छोटा रखूं तो 7 बाय 5 से थोड़ा सा छोटा रखते ही ये नेगेटिव हो गया, बाकी ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो गया। इस तरीके से आपके पास आ गया।
वन पर अगर हम देखें, वन से थोड़ा सा बड़ा, तो वन से थोड़ा बड़े में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो चुका है, और ये वाली जो पूरी चीज है ये भी पॉजिटिव है, तो ये टोटल नेगेटिव हो गया। और वन से थोड़ा पहले, वन से थोड़ा पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों मिलकर पॉजिटिव हो गए। ये आपके पास देखो साइन स्कीम चल रहा है। तो यहां पर बच्चों आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वन पर क्या हो रहा है, वन पर आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, वन पर आपका स्लोप पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव में हो रहा है। तो अगर वन पर आपका स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है। सेवन बाय फाइव पे क्या हो रहा है, स्लोप आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहा है, स्लोप आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहा है, मतलब दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस वॉज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मुझसे पूछा गया मैक्सिमा और मिनिमा बच्चों कहां पर होगा, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा एट x = 1 पर मैक्सिमा आता है। और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो f1 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, जैसे आप यहां पर 1 रखोगे 1 से 1 यार ये तो 0 हो जाएगा, f1 की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। ये बात देखो क्लियर होनी चाहिए, एक बार अपन चेक भी कर लेते हैं कि अपने पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, ये जो चीज लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है, 1 रखते ही आपके पास मैक्सिमा एट x = 1 और f1 की वैल्यू आ गई 0, बिल्कुल सही। अब अगर हम मिनिमा की बात करें तो मिनिमा कहां पर होगा, मिनिमा एट x = 7/5, मिनिमा एट x = 7/5, 7/5 पे मिनिमा होगा। और f 7/5 की अगर मान लो आपसे वैल्यू निकालने बोली जाए, f 7/5 की बच्चों अगर आपसे वैल्यू निकालने बोली जाए, तो इसको बेटा मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं अननेसेसरी, कि देखो मेहनत लगेगी है ना, अगर पेपर में आ जाएगा तब तो तुम्हारी मजबूरी है। बेसिकली देखो जो जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालो, और कॉमन निकालने के बाद सबको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, थोड़ी मेहनत का सवाल है, ठीक है। मैं अपना आंसर बेटा जो अपने पास दिया हुआ है, मैं डायरेक्टली आपके पास आंसर ले जाता हूँ। इसका आंसर आएगा -108/3125। देखो ये बात तो श्योर थी कि आंसर आपका नेगेटिव में ही आना था, क्योंकि अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 आ रही है तो यार फिर मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव में ही आएगी, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। तो यार ये मेरे पास इसमें आंसर दिया हुआ 7/5 पे -108/3125। आप में से कोई भी बच्चा ऐसा करना, अगर थोड़ी लगे आपको मेहनत तो आप इसको देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख लेना, इंटीग्रल 1 से लेकर 7/5 तक, है ना। यहां से देखो आपको कॉमन क्या मिल रहा है, t-1 आपको बाहर निकलते मिल रहा है कॉमन, t-1 के बाद t-2 का स्क्वायर भी बाहर निकल रहा है, और उसके बाद अंदर देखो यहां पर क्या बचा है, 2 × t-2, मतलब 2t-4 आपके पास अंदर बच रहा है। और उसके अलावा यहां से अगर आप देखेंगे तो t-2 का स्क्वायर गया, t-1 गया, तो 3t-3, तो +3t-3, ये आपके पास देखो चीज आ रही है। अब इसको आपको यार आपस में पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये जो चीज आपके पास लिखी है ना, बेसिकली ये जो बच्चों आपके पास पूरी चीज लिखी हुई है इसको आपको देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन हो जाएगा, थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी। आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 7/5 आप इसमें एक बार रखें इंटीग्रेट करके, और उसके बाद एक बार आप इसमें रखें 1, है ना। यहां तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया था तो इंटीग्रल का साइन हट गया था, लेकिन यहां पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत है लेकिन सॉल्वेबल। तो आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा कि ये आंसर आपके पास आता है या नहीं आता, ठीक है। मुझे कमेंट से बताइएगा, जिस भी बच्चे का आ जाएगा कमेंट्स में शेयर जरूर आप करिएगा। चलिए अगला बेटा सवाल देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसमें लिखा हुआ है, लेट fx बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेट fx बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेट fx बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विच हैज लोकल मैक्सिमम एट, विच हैज लोकल मैक्सिमम, विच हैज लोकल मैक्सिमम एट x = -1, विच हैज लोकल मैक्सिमम एट x = -1 एंड f'x हैज अ लोकल मिनिमम, एंड f'x हैज अ लोकल मिनिमम। इस तरीके का बेटा मैंने आपको एक सवाल कल कराया था, एंड f'x हैज अ लोकल मिनिमम, एंड f'x हैज अ लोकल मिनिमम एट x = 1, एट x = 1 ये अपने पास दिया। फिर लिखा है f f f -1 = 10, f f -1 = 10 एंड f3 = -22 एंड f3 = -22, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, देन फाइंड
the distance between, then find the distance between, find the distance between its two horizontal tangents, between its two horizontal tangents. ठीक है, थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, चलिए बना के देखते हैं, है ना, थोड़ा सा बेटा डिफरेंट कैटेगरी का सवाल है, लेकिन हाँ इस पैटर्न का सवाल मैंने आपको एक कराया था लास्ट लेक्चर में. अगर आपको एफ एक्स एक क्यूबिक दिख रहा है और आपको दिखा जा रहा है कि एफ डैश एक्स इज अ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू वन, तो देखो अगर एफ एक्स क्यूबिक है, अगर हमारे पास एफ एक्स क्यूबिक है तो एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक होगा, और अगर एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक होगा तो एफ डबल डैश एक्स लीनियर होगा. इस बात में बेटा देखो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अपने को. तो यार यहां से अगर मुझे दिख रहा है एफ डबल डैश एक्स लीनियर है, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स हैज अ लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू वन. अगर एफ डैश एक्स का मिनिमम है एक्स इक्वल टू वन पर, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश वन जो होगा वो जीरो के बराबर हो. एफ डैश एक्स का मिनिमम है एक्स इक्वल टू वन पर, मतलब एफ डबल डैश वन जीरो होगा, और एफ डबल डैश फंक्शन लीनियर था, तो आप बोल सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ऑफ के टाइम्स एक्स माइनस वन. ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था लास्ट लेक्चर. तो यार यहां से आप अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते ही एफ डबल डैश एक्स से आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, एंड दिस विल बी के एक्स का के एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस के का माइनस के एक्स और प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. ये आ जाएगा अपने पास. यहां से बेटा जैसे ही आपके पास ये आया, आप देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विच हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस वन. अब अगर एफ एक्स का लोकल मैक्सिमम है एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, तो इसका मतलब क्या है कि एफ डैश माइनस वन जो होगा वो जीरो होना चाहिए. एफ एक्स का अगर बच्चों लोकल मैक्सिमम है एक्स इक्वल टू माइनस वन पर, मतलब एफ डैश माइनस वन जीरो होना चाहिए. तो एफ डैश माइनस वन मतलब कितना आ जाएगा, एफ डैश माइनस वन विल बी इक्वल टू के बाय टू प्लस के प्लस सी, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. तो यार यहां से मेरे पास सी की वैल्यू आ जाती है माइनस थ्री के बाय टू. ठीक है क्या, यहां से बच्चों सी की वैल्यू आ जाती है माइनस थ्री के बाय टू. और जैसे ही मेरे पास सी की वैल्यू माइनस थ्री के बाय टू आ गई, अब मेरे पास देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन फंक्शन लिखा हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय टू, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस के एक्स, और फिर सी की जगह मेरे पास लिखा हुआ है माइनस थ्री के बाय टू, ये लिखा हुआ. तो यार यहां से मुझे देखो क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स था ये, तो एफ एक्स क्या होगा, अगर मैं इसको भी इंटीग्रेट कर दूं तो एफ एक्स विल बी के एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस के एक्स माइनस थ्री के बाय टू इंटू, अच्छा नहीं आपने इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री, तो दिस विल बी के एक्स क्यूब बाय टू इंटू थ्री हो जाएगा सिक्स. यहां पर आ जाएगा के एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री के बाय टू इंटू एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी. अभी आ जाएगा हमें यहां पर देखो बोला जा रहा है एफ माइनस वन की वैल्यू टेन है, तो एफ माइनस वन मतलब माइनस के बाय सिक्स माइनस वन. जैसे आप यहां पर बेटा रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन रखते ही दिस विल बी माइनस के बाय टू, माइनस वन रखते ही प्लस थ्री के बाय टू और प्लस डी, इसकी वैल्यू आ रही है टेन के बराबर. तो यार यहां से देखो ये थ्री के बाय टू माइनस के बाय टू इज टू के बाय टू विच इज के, के माइनस के बाय सिक्स इज फाइव के बाय सिक्स, तो 5k by 6 plus d is equal to 10. ये आता है एक रिलेशन, ये आ जाता है एक रिलेशन अपने पास. सिमिलरली बच्चों इसके बाद एक तो ये यहां से लिख लिया और एक हमने लिख लिया ये. अगला देखो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, f3 की वैल्यू माइनस 22 है, तो अगर आप f3 निकालेंगे f3 तो f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 cube मतलब ये अपने पास आ जाएगा 27 by 6 अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये आपके पास 3 का फैक्टर अगर आप कट करोगे तो आ जाएगा 9 बाय 2. ठीक है, तो दिस विल बी 9k बाय 2. उसके बाद 3 रखते ही 3 स्क्वायर इज 9, तो माइनस 9k बाय 2. फिर 3 रखते ही यहां से आपके पास आ जाएगा माइनस 9k बाय 2 प्लस d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 22. ये और ये तो गया. फिर यहां से देखो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ जाती है, d की वैल्यू आ जाती है 9k बाय 2 माइनस 22. D की वैल्यू आपके पास आ जाती है 9k by 2 minus 22. इसको उठा के यहां रख देते हैं. जैसे इसको बच्चों यहां हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5k by 6 और प्लस D, तो D की जगह प्लस 9k by 2 minus 22 is equal to 10. LCM बेटा अगर आप ले लोगे तो LCM आपके पास आ जाएगा पूरे का 6.
ठीक है, तो दिस इज 5k, फिर 2 into 3, तो 9 into 3 is 27k, और 6 into 22, तो दिस विल बी माइनस 132, इसकी वैल्यू आएगी 10, तो अपने पास आ गया 32k, ये 60 और 132, दिस इज इक्वल टू 192, ये चीज आ गई क्लियरली, आप देख सकते हैं 32 into 6, 30 into 6 होता है बच्चों अपने पास, 30 into 6 is 180 और 2 into 6 is 12, k की वैल्यू 6 आई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल ना अपन ने बनाया है पहले, ये शायद सेम सवाल, ठीक है मेरे को समझ में आ गया, ये बेटा लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट लेक्चर में हमने ये सेम सवाल किया है, उसमें मेरे ख्याल से F0 की वैल्यू 5 दी थी, F0 की वैल्यू 5 दी थी, तो डायरेक्टली अपने पास ये सॉल्व होके D की वैल्यू 5 आ गई थी, पिछले वाले लेक्चर मैंने कराया, लेकिन इसमें देखो इसमें अपने पास ये दो वैल्यूज अलग अलग है, ये दो वैल्यूज अलग अलग है, फंक्शन वही आ रहा है, फंक्शन निकल के वही आएगा, लेकिन क्योंकि ये दो वैल्यूज आपके पास डिफरेंट है उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया। जैसे आप k की वैल्यू 6 यहां रखोगे, 6 से 6 कटेगा, d की वैल्यू 5 आ जाएगी, फंक्शन सेम आ रहा है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि फंक्शन पूरा सेम है, लेकिन क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यूज दी थी ये अलग दी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा सा कैलकुलेशन आपके पास इंक्रीज हो गया। तो फाइनली बेटा देखो आपके पास ये जो fx लिखा हुआ है, fx फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आप इसको बेटा ऐसा करिए क्लियर कर लीजिए, इसको अपन यहां से क्लियर कर लेते हैं, और अपन fx जो फंक्शन आता है उसको नोट करते हैं। तो fx अपने पास आ जाएगा k टाइम्स x क्यूब बाय 6, तो k की वैल्यू 6 है, 6 से 6 कटेगा x क्यूब, फिर k की वैल्यू 6 है, 6 से 2 कटेगा तो माइनस 3x स्क्वायर, अगेन k की वैल्यू 6 है, 6 से 2 कटेगा 3 into 3 9 माइनस 9x, और प्लस d, d की वैल्यू अपने पास है 5, ये आ गया क्या फंक्शन, और जैसे ही ये फंक्शन आ गया तो अब इतने में एंड नहीं करना है, मैंने आपको कल भी बोला था कि इस पर फर्दर क्वेश्चन भी बन सकता है, फर्दर क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, इसकी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के बीच में आप डिस्टेंस बताइए, अब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या वाला है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट क्या वाला है, तो आप ये समझो कि ये जो क्यूबिक होगा ये क्यूबिक इस तरीके का होगा, समझ पा रहे हो, ये क्यूबिक कुछ इस पैटर्न का होगा, तो इसमें आप देखो दो जगह आप हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डाल सकते हो, एक ये वाली जगह और एक ये वाली जगह, बेसिकली आपको इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाई, ये आपको निकालना है, ये जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में बेटा वाई, ये आपको निकालना है, कुल मिला के सवाल ये, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसको बेटा अपन क्लियर कर लेते हैं, हमें एक बात जो यहां पर समझ में आनी चाहिए, वो समझ में आने वाली बात क्या है, वो ये है कि ये जो आपके पास जिन पॉइंट्स पे आपने बेटा ये टेंजेंट डालना है, इन पॉइंट्स पे f डैश की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है ना, तो आप अगर f डैश x निकालें तो f डैश x आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश x आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, ये आ जाएगा आपके पास f डैश x, और जैसे ये f डैश x आ जाएगा तो इससे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप इसको बोल सकते हो 3 बाहर लेके x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, अगर आप 0 बोले तो यहां से आपके पास फैक्टर आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस x, तो माइनस 2x और माइनस 3, बिल्कुल सही, ये आपके पास देखो दो फैक्टर्स आएंगे, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट आपके पास जो आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट कहां कहां पर आ रहा है, माइनस 1 पर और 3 पर, यहां के करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू और यहां के करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी माइनस 1 एंड दिस विल बी 3, ये आपकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएंगी, ठीक है, और अगर ये आपकी करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही है तो बेसिकली इन पॉइंट्स पे इसका स्लोप क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, तो आपको अब क्या करना है बेटा, आपको बेसिकली बताना है कि फंक्शन की वैल्यू यहां पर है कितनी, फंक्शन की वैल्यू माइनस वन पर है कितनी, तो देखो माइनस वन पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू देखोगे तो फंक्शन की वैल्यू लिखी हुई है माइनस वन पर 10, सवाल में ही आंसर छिपा हुआ है, सवाल में ही फंक्शन की वैल्यू माइनस वन पर आपको दी हुई है 10, और फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी है, फंक्शन की वैल्यू 3 पर आपके पास दी हुई है माइनस 22, सवाल में ही देखो आंसर छिपा हुआ है, तो अगर ये वाली वैल्यू आपके पास है माइनस 1, 10 और ये वाली बच्चों वैल्यू आपके पास है 3, -22, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, इसकी ये जो दो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स हैं इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 10 और -22 के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 32, ठीक है स्टार लगा लीजिए यार, मेरे हिसाब से इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लग रहे हैं, बहुत सारे, ऑल्दो ये जो इक्वेशन बने इक्वेशन वही है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कराया था, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि देखिए जब आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स के बीच की बात करनी है तो ये जो आपका क्यूबिक बनेगा बेसिकली देखो ये दो बार घूम रहा है,
क्यूबिक है तो ये दो बार इसमें बेटा घूम रहा है, तो ये जहां जहां से भी टर्निंग पॉइंट आएगा वहां वहां पर आपके पास एफ डैश की वैल्यू जीरो होगी, और यहां पर आएंगे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स। इन एफ डैश पे अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स आएंगी तो आप माइनस वन और थ्री आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हो रहे हैं, माइनस वन और थ्री पर आपको वैल्यू दी हुई है 10 और -22, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस विल बी 32। फाइनल आंसर अपना बच्चों 32 आएगा, चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास बच्चों इसमें सवाल लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 5 माइनस 5 एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 10, ये लिखा है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 5 माइनस 5 एक्स रेस टू द पावर 4 और उसके बाद लिखा हुआ है प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 10 हैज लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, हैज लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम एट x इक्वल टू p एंड x इक्वल टू q, हैज लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम एट x इक्वल टू p एंड x इक्वल टू q respectively, तो पूछा जा रहा है then find p comma q, p comma q कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, ये हमारे पास सवाल है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए आपके पास पावर 5 का एक इक्वेशन है, अगर पावर 5 का एक इक्वेशन है तो सबसे पहले तो आप उस इक्वेशन को लिख लो, x टू द पावर 5 माइनस 5 x टू द पावर 4 प्लस 5 x क्यूब माइनस 10। ठीक है, ये पावर 5 का अपने पास एक इक्वेशन दी है, बोला जा रहा है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एट p एंड q, तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपको f डैश निकालना पड़ेगा, तो f डैश x आपके पास कितना आएगा 5 x टू द पावर 4 माइनस 20 x क्यूब और प्लस 15 x स्क्वायर, यही आएगा पूरे में से। क्लियरली आप देख सकते हैं 5 x स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा यहां x स्क्वायर, इसमें बचेगा अंदर माइनस 4 x और इसमें आपके पास बचेगा अंदर प्लस 3, यही आएगा। तो यार क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको फैक्टराइज आप करके लिख सकते हो 5x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 3, बिल्कुल सही। अब अगर बच्चों ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो आपके पास आएगा 0, 1 एंड 3। अब आप 3 से अगर बड़ा कुछ भी लेते हैं तो एफ डैश आपको पॉजिटिव मिलेगा, 3 से बड़ा कुछ भी लेने पर, 3 से अगर आप थोड़ा सा छोटा लेते हैं तो ये नेगेटिव मिलेगा, बाकी सब पॉजिटिव। फिर 1 से अगर आप थोड़ा सा बड़ा बेटा लेते हैं, 1 से थोड़ा बड़ा लेते हैं, 3 से तो आपने छोटा ही लिया तो ये नेगेटिव है, तो ये पूरी चीज नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप 1 से भी छोटा लेते हैं तो 1 से छोटा लेने पर ये दोनों नेगेटिव होगा तो ये पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी। 0 से अगर आप थोड़ा सा बच्चे को बड़ा लेते हैं तो 0 से थोड़ा बड़ा लेने पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, और अगर आप 0 से थोड़ा छोटा ले भी लें तब भी ये स्क्वायर उसको बैलेंस कर देगा, तो ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिला के पॉजिटिव, ये आपके पास आ रहा है साइन। और अगर आपके पास ये बच्चों साइन आ रहा है तो आप देख सकते हैं जीरो के अगल बगल साइन का चेंज नहीं हो रहा, क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन साइन का चेंज नहीं हो रहा, मतलब जीरो इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद 1 पर देखो, 1 के पहले स्लोप पॉजिटिव था, 1 के बाद स्लोप नेगेटिव है, 1 के पहले स्लोप पॉजिटिव था, 1 के बाद स्लोप नेगेटिव है, मतलब 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो मैक्सिमम है एट x इक्वल टू p, तो p की वैल्यू तो 1 होगी। 3 पे पहले स्लोप नेगेटिव था, 3 के बाद स्लोप पॉजिटिव है, मतलब 3 इज अ पॉइंट ऑफ क्या आएगा, मिनिमा, 3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा का पॉइंट क्या था q, मतलब q की वैल्यू आएगी 3। तो हमारे पास बच्चों जो आपको कोऑर्डिनेट निकालने बोला गया था p कॉमा q, तो p कॉमा q विल बी 1, 3, दिस इज योर आंसर, p कॉमा q इज 1, 3, ये अपने पास बच्चों आंसर आएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है अपने पास गिवन दैट f डैश x इज इक्वल टू प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 से 101
प्रोडक्ट n इक्वल टू 1 से 101 n माइनस एक्स रेज टू द पावर n, n माइनस एक्स रेज टू द पावर n. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेटिव और लोकल, रिलेटिव ब्रैकेट में और लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स. ये सवाल है. रिलेटिव मैक्सिमा बोला जाए या लोकल मैक्सिमा बोला जाए, इसका मतलब तो सेम ही होता है. तो हमारे पास देखो एफ डैश एक्स लिखा है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेटिव या लोकल मैक्सिमा और एफ एक्स. अब आपको एफ एक्स का अगर बच्चों मैक्सिमा बताना है तो बेसिकली आप क्या लिखोगे, एफ डैश से तो आप आगे बढ़ोगे ना. अगर आपको एफ एक्स फंक्शन का मैक्सिमा बताना है तो आप एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके ही तो चेक करोगे ना. अगर आपको एफ एक्स का मैक्सिमा बताना है तो आप एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो करके ही चेक करोगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो एफ डैश आपके पास क्या लिखा हुआ है, एफ डैश बच्चों आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट एन इक्वल टू 1 से 101, मतलब 1 जब रखोगे तो 1 माइनस एक्स, 2 रखोगे तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 रखोगे तो 3 माइनस एक्स का क्यूब, 4 रखोगे तो 4 माइनस एक्स की पावर 4, 5 रखोगे तो 5 माइनस एक्स की पावर 5 से लेकर 101 रखोगे तो 101 माइनस एक्स रेज टू द पावर 101. ये अपने पास है, प्रोडक्ट है तो सबका मल्टीप्लीकेशन होगा. तो यार यहां से आप देखो एफ डैश के आपको क्रिटिकल पॉइंट कितने मिल रहे हैं, एफ डैश के क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहे हैं 101 क्रिटिकल पॉइंट है. अच्छा सवाल है, स्टार लगा लो यार, अच्छा सवाल है, मेहनत लगेगी इस सवाल में थोड़ी सी. अभी लिखना बंद करके सिर्फ सुनिएगा और समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, कि जैसे ही बच्चों आप यहां पर क्रिटिकल पॉइंट लिखना चालू करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड इस तरीके से लास्ट में आपके पास आएगा 101. इस तरीके से आपके पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स लिखें. मैं चर्चा करता हूं 1 पे. अगर बेटा मैं 1 पर चर्चा करूं तो 1 से थोड़ा सा पहले, मतलब अगर आपने मान लो क्वांटिटी ली है 1 से छोटी, 1 से अगर आप बच्चों छोटी क्वांटिटी लोगे तो मुझे आप जरा सोच के बताओ, 1 से छोटी क्वांटिटी ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये सब पॉजिटिव होंगे. ये बात श्योर है कि अगर आप 1 से छोटा कुछ भी लोगे तो ये सारी चीज पॉजिटिव आएगी. क्लियर, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव लिख लेते. इसके बाद अगर बेटा मैं 1 से थोड़ा सा बड़ा लू, 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से अगर मैं थोड़ा सा बड़ा लूंगा तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन ये इवन पावर है तो ये तो पॉजिटिव आएगा. फिर ये आपके पास देखो ये भी पॉजिटिव आएगा, 1 से आपने थोड़ा सा बड़ा लिया, ये सब पॉजिटिव आएंगे. ये वाले जितने ये सारे पॉजिटिव आएंगे 1 से थोड़े से बड़े में, लेकिन आप ये बात बोल सकते हैं कि 1 से थोड़े से बड़े में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पूरी चीज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई. ये बात भी श्योर है. अब हम बात करते हैं 2 पे. 2 से जस्ट पहले, 2 से जस्ट पहले ये नेगेटिव है लेकिन ये पॉजिटिव है और ये सब पॉजिटिव है. देख लो आप अगर 2 से थोड़ा सा बस पहले देखोगे तो ये पॉजिटिव है, आगे की ये सारी चीजें पॉजिटिव है, सिर्फ 2 से पहले ये एक नेगेटिव हो रहा है. यहां माइनस था तो यहां भी माइनस ही आएगा इस पूरे इंटरवल. ये बात तो आपको अभी तक आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि यहां अगर माइनस है तो इस पूरे इंटरवल में माइनस ही आने वाला है. लेकिन 2 से अगर आप थोड़ा सा भी बड़ा लेते हो तो 2 से थोड़े बड़े में देखो ये वाला फैक्टर तो नेगेटिव है. क्या ये वाला फैक्टर नेगेटिव होगा? क्या ये वाला फैक्टर नेगेटिव नहीं होगा? क्यों नेगेटिव नहीं होगा? क्योंकि इवन पावर है, इवन पावर एडजस्ट कर लेता है, तो ये पॉजिटिव हो गया. और 2 से जस्ट बड़े में देखो ये सब पॉजिटिव है, 2 से जस्ट बड़े में ये सब पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ ये पहला वाला नेगेटिव है. तो क्योंकि बेटा ये सिर्फ पहला वाला आपका जो पॉइंट था ये नेगेटिव था, बाकी ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव का नेगेटिव ही, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही है. अब 3 पर देखते हैं. 3 पर बच्चों 3 के अगर जस्ट थोड़ा सा पहले देखें, 3 से जस्ट थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये वाला पॉइंट नेगेटिव है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बेटा 3 से जस्ट पहले में पॉजिटिव है और आगे का ही पूरा पॉजिटिव है, तो ये पूरी चीज क्या होगी, नेगेटिव होगी. बेसिकली देखो यहां माइनस था तो यहां भी माइनस ही आएगा इस इंटरवल. लेकिन जैसे ही आप 3 से आगे बढ़े, 3 से आगे बढ़ते ही आपके पास ये तो नेगेटिव हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही आप 3 से आगे बढ़े देखो ये भी नेगेटिव अब हो गया, क्योंकि अगर आपने 3 से बड़ा लिया तो ये अंदर वाली पूरी चीज नेगेटिव, उसका पावर ऑड है, तो ये पूरा फैक्टर नेगेटिव है. तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके बना लेंगे पॉजिटिव और आगे के सारे पॉजिटिव है. तो 3 से जस्ट थोड़े से बड़े में ये आपके पास आ गया पॉजिटिव. अब चर्चा करते हैं 4 की, ठीक है, थोड़ी देर अब चर्चा कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है.
अगर हम बच्चों 4 पर चर्चा करें तो 4 पे 4 के जस्ट पहले ये नेगेटिव है, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, 4 से जस्ट पहले ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन गए, और 4 से जस्ट पहले ये भी पॉजिटिव है, तो यार ये पूरी चीज पॉजिटिव है। देख लो यहां प्लस था, यहां भी प्लस आ रहा, लेकिन 4 से जैसे आप बड़ा नंबर लोगे, ये नेगेटिव ये मिलके बना लिए पॉजिटिव, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, और 4 से बड़े में इसको भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसको भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इवन पावर है, और 4 से अगर आप जस्ट थोड़ा सा बड़ा लोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो अगर ये पॉजिटिव ही रहेगा आपके पास तो ये पूरी चीज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, तो यहां पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। अब एक पॉइंट और उससे आपको देख रहा पैटर्न समझ में आ जाएगा। चलो मैं आपको पहले यहां पे समझा देता हूं, 1 के पहले स्लोप पॉजिटिव है, 1 के बाद स्लोप नेगेटिव है, मतलब ये आपके पास क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएगा, 1 विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये बात आप बोल सकते हैं कि 1 से देखो जस्ट पहले आपके पास स्लोप पॉजिटिव है, 1 के बाद स्लोप नेगेटिव है। ये जो 2 आएगा बेटा, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 2 विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर डिक्रीज हो रहा था और अभी भी डिक्रीज ही हो रहा है, तो 2 विल बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 पर बच्चों देखो, 3 पर 3 के पहले स्लोप नेगेटिव है, 3 के बाद स्लोप पॉजिटिव है, तो यार ये 3 पर तो आपके पास ऐसा कर्व बनेगा, 3 के पहले स्लोप नेगेटिव है, 3 के बाद स्लोप पॉजिटिव है, तो 3 विल बी अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, स्मॉल m लिख देता हूं। अगर मैं 4 पर देखूं तो 4 भी आपके पास इन्फ्लेक्शन का पॉइंट आएगा, 4 भी आपके पास इन्फ्लेक्शन का पॉइंट आएगा, देख लो आप, क्योंकि 4 के अगल बगल पॉजिटिव ही है। लेकिन बेटा जैसे आप 5 पे देखोगे तो 5 से जस्ट पहले ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये मिला के पॉजिटिव, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, 5 से जस्ट पहले ये जो पूरी ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव होगा, तो आगे सब पॉजिटिव होंगे, ये प्लस आ गया, देख लो यहां प्लस था तो यहां भी प्लस है, सेम इंटरवल। लेकिन आप जैसे ही 5 को क्रॉस किए, 5 को क्रॉस करते ही बेटा देखो ध्यान से, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये मिला के बना लिए पॉजिटिव, इसको फर्क नहीं पड़ा, इसको फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसको अब फर्क पड़ा। 5 से जैसे ही आप बड़ा बेटा फैक्टर बनाते हैं, तो 5 से बड़ा फैक्टर बनाते ही आपको क्या मिलेगा, 5 से थोड़ा आप जैसे ही इसमें बड़ा जाएंगे तो ये पूरी चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5 पर दोबारा से स्लोप आपका जो है वो पॉजिटिव से बेटा नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब दिस इज अ पॉइंट ऑफ अगेन मैक्सिमम। और आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये पैटर्न समझाया था, पैटर्न क्या था कि अगर आपके पास एक कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो मैक्सिमा और मिनिमा अल्टरनेटिवली अकर करते हैं, दो मैक्सिमा एक साथ नहीं आ सकता, दो मैक्सिमा के बीच में जरूर एक मिनिमा आएगा, दो मिनिमा के बीच में जरूर एक मैक्सिमा आएगा। तो आप देख सकते हैं पहले मैक्सिमा आया, फिर इन्फ्लेक्शन आया, फिर मिनिमा आया, फिर इन्फ्लेक्शन आया, उसके बाद दोबारा मैक्सिमा आ चुका है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इसके बाद फिर इन्फ्लेक्शन आएगा, फिर मिनिमा आएगा, फिर इन्फ्लेक्शन आएगा, फिर मैक्सिमा आएगा, तो पैटर्न क्या चलेगा, क्योंकि एक कंटिन्यूअस पैटर्न में चल रही है ना सीरीज, तो बेटा मैक्सिमा के जो पॉइंट्स आएंगे, मैक्सिमा एट x इक्वल टू क्या क्या आएगा, 1 पे, 5 पे, 9 पे, 13 पे एंड सो ऑन। और आपके पास ये टोटल कहां तक जा रहा है, 101 तक जा रहा है। तो आप ये देख लो कि यार ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म होगा 4n माइनस कितना आ जाएगा, 4n जैसे आप रखोगे 4n-3 आ जाएगा, n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये मिल जाएगा, n की वैल्यू आप 3 रखोगे तो आपके पास ये वाला टर्म मिल जाएगा। तो आप देख लो कि 101 इस सीरीज में अकर करता भी है n, तो अगर आप 101 देखोगे तो 4n की वैल्यू आ जाएगी 104, n की वैल्यू आ जाएगी 26, मतलब 26वां टर्म इसका 106 है, मतलब यहां पर इस सीरीज में 101 अकर करेगा, 26वां जो टर्म है बेटा वो 101 है, मतलब कि इस सीरीज में 101 अकर करेगा। तो टोटल मैक्सिमा के पॉइंट्स कितने आएंगे, fx के, ये जो सब पॉइंट्स आ रहे हैं fx के आ रहे हैं, क्योंकि जो f'x के क्रिटिकल पॉइंट होते हैं उसमें आप fx का मैक्सिमा और मिनिमा देखते हैं। तो अगर लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेटिव और लोकल मैक्सिमा ऑफ fx, तो fx के टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा होंगे 1 से लेकर ये 101 तक, मतलब कि 26। दिस इज योर आंसर, चेक कर लीजिए बेटा, बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत ही जबरदस्त बच्चों ये सवाल है। ये पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, कब मैक्सिमा होता है, कब मिनिमा होता है, कब इन्फ्लेक्शन होता है, दिस पैटर्न इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हो और अगर आपको ये सवाल जबरदस्त लगा हो तो यार कमेंट में एक जबरदस्त सा कमेंट, जबरदस्त बस लिख दो, चलो वर्ड लिख दो जबरदस्त, अगर अच्छा लगा है तो। अगला बच्चों अपने पास जो सवाल लिखा हुआ है उसमें दिया है, लेट अल्फा कॉमा बीटा
लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू रियल नंबर बी सच दैट लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग टू रियल नंबर बी सच दैट द फंक्शन एफ सच दैट द फंक्शन एफ सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एलएन मॉड एक्स अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एलएन मॉड एक्स और यहां पर अपने पास दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स इक्वल टू टू एट एक्स इक्वल टू माइनस वन एट एक्स इक्वल टू टू फाइंड अल्फा एंड बीटा एंड कमेंट ऑन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड कमेंट ऑन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कहां पर होगा या नहीं होगा इस पर आपको कमेंट भी करना है ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि आपको बोला जा रहा है कि अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर है सच दैट द फंक्शन एफ ये जो आपके पास बच्चों फंक्शन एफ है गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एलएन मॉड एक्स सबसे पहले तो फंक्शन अपन लिख लेते हैं फंक्शन अपने पास क्या दिया हुआ है अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एलएन मॉड एक्स ये आपका फंक्शन है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट माइनस वन एंड टू अब यार अगर इसका एक्सट्रीम वैल्यूज माइनस वन और टू पर है मतलब एफ डैश की वैल्यू इन पॉइंट पे जीरो होनी चाहिए तो आप बोल सकते हैं कि एफ डैश माइनस वन भी जीरो होगा और एफ डैश टू भी जीरो होगा एफ डैश माइनस वन और एफ डैश टू दोनों ही जीरो होगा तो अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए आपको पूछा जा रहा है करके देख लेते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार मैं आपको एक सिंपल सी बच्चों बात बोलता हूँ कि एफ डैश एक्स होगा कितना एफ डैश एक्स होगा अल्फा एक्स का अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर का टू बीटा एक्स और एलएन मॉड एक्स का वन बाय एक्स ऐसा ही होता है पढ़ा है हमने है ना एलएन मॉड एक्स का डेरिवेटिव वन बाय मॉड एक्स मत लिखना आप अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है बेटा उसमें देख लो एलएन मॉड एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स बेसिकली मॉड सिर्फ इसलिए लगाया जाता था कि एंश्योर कि आप पॉजिटिव बात लिख रहे अदरवाइज एलएन मॉड एक्स भी अगर लिखा है तो उसका स्लोप क्या आएगा वन बाय एक्स आएगा ठीक है ये इसमें बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है तो आप बिल्कुल भी बेटा कंफ्यूज ना हो मॉड एक्स का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप एक्स नेगेटिव भी रखें तो आंसर बैलेंस हो जाए देखो ये एलएन एक्स का ग्राफ है और अगर आपको मॉड एक्स बोला जाए तो यहां पर आपके पास इस पैटर्न का ग्राफ और आ जाएगा ठीक है ना तो ये आपके पास आ जाएगा एलएन मॉड एक्स क्योंकि अगर आप एक्स को नेगेटिव भी रखोगे तो आपको ग्राफ वैसे ही मिलेगा जैसा पॉजिटिव वाला मिलता है तो इसका अगर आप स्लोप बेटा देखेंगे तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा इसका स्लोप आ जाएगा वन बाय एक्स अगर x पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव आएगा अगर x नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा उस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत आसान ठीक है बहुत इजी सी बात है कोई बहुत बड़ी बात नहीं आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा खैर इसके बाद बच्चों अगर अपन आगे बढ़े तो यार ये f डैश x हमने जैसे लिखा तो हमको दिख रहा है f डैश माइनस वन जीरो तो f डैश माइनस वन जिसकी वैल्यू जीरो है आएगा कितना दिस विल बी अल्फा माइनस टू बीटा और माइनस वन रखते ही आपके पास आ जाएगा दिस विल बी माइनस वन तो यार यहां से मेरे पास अल्फा माइनस टू बीटा की वैल्यू आ जाती है वन यहां से मेरे पास अल्फा माइनस टू बीटा की वैल्यू आ जाती है वन सिमिलरली अगर मैं एफ डैश टू देखू और मैं बोलूं अगर कि एफ डैश टू की वैल्यू जीरो है तो टू रखते ही आपको क्या मिलेगा अल्फा प्लस फोर बीटा प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो तो यार यहां से आप देखो अल्फा की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो अल्फा इज माइनस हाफ माइनस फोर बीटा यहां से बच्चों आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं माइनस हाफ माइनस फोर बीटा इसको उठा के इसमें रख दो जैसे ही आप इसको उठा के इसमें रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको देखो क्या मिलेगा माइनस हाफ माइनस फोर बीटा माइनस टू बीटा इज इक्वल टू वन तो अपने पास आ जाता है सिक्स बीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ और माइनस वन इज माइनस थ्री बाय टू थ्री से ये सिक्स कटा यहां टू आ गया तो बीटा की वैल्यू यार अपने पास आती है माइनस वन बाय फोर बीटा की वैल्यू बच्चों अपने पास आ जाती है माइनस वन बाय फोर और अगर बीटा की वैल्यू अपने पास माइनस वन बाय फोर आ जाती है
तो यहां से देखो अब अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा अगर माइनस वन बाय फोर है तो 1/4 से 4 कटा, माइनस से यहां पे प्लस 1 आ गया, 1 माइनस हाफ, अल्फा की वैल्यू हाफ आ गई। अल्फा की वैल्यू बच्चों आपके पास आ रही है हाफ, तो यार अल्फा और बीटा तो निकल गया, जो निकालना था देख लेते हैं एक बार आंसर। अल्फा की वैल्यू हाफ आ रही है बिल्कुल सही, बीटा की वैल्यू माइनस 1/4 आ रही है बिल्कुल सही, ये तो यार करेक्ट है। अब आपको बोला जा रहा है कि कमेंट ऑन द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब यार लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे अगर आपको कमेंट करना है तो या तो आप इस f'x का रूट रूट्स लगा के सॉल्व कर लो, या मैंने आपको जो दूसरा मेथड बताया था कि यार देखो f'x बेसिकली क्या है, जैसे आप इन वैल्यूज को रखेंगे तो अल्फा की जगह हाफ, फिर 2 बीटा की जगह आप लिख सकते हैं माइनस हाफ, तो दिस विल बी माइनस हाफ एक्स और प्लस 1/x, ये आपके पास है बेसिकली f'x। आप अगर चाहें तो यहां से भी आप करके देख सकते हैं, नंबर लाइन बना के इसको सॉल्व करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या जरूरत है, मैं आपको बोलता हूं कि आप डायरेक्टली f डबल डैश निकाल लो ना, डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है, f डबल डैश निकाल लो। जैसे आप इसका डबल डेरिवेटिव टेस्ट करोगे ये खत्म, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस हाफ, और डबल डेरिवेटिव कर दी x का, x की बार माइनस वन मतलब माइनस वन बाय x स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा है यार ये तो हमेशा नेगेटिव, दुनिया में x की किसी भी वैल्यू के लिए f डबल डैश तो जीवन भर नेगेटिव रहे। अब अगर ये रहेगा ही नेगेटिव तो यार f डबल डैश नेगेटिव कब होता था, f डबल डैश नेगेटिव होता था मैक्सिमा पे, याद करो बच्चों, देखो dy/dx जो होता था स्लोप पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, स्लोप डिक्रीजिंग मतलब d2y/dx square will be less than zero, तो d2y/dx square less than zero मतलब कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो आप x को चाहे कुछ भी रखें आपको मैक्सिमा ही मिलेगा, आप x को बच्चों यहां पर जो भी क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे आपको मैक्सिमा मिलेगा, मतलब कि माइनस वन पर भी और टू पर भी, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ रहे थे माइनस वन और टू, देखो माइनस वन अगर आप इसमें रखोगे तो माइनस वन रखते ही क्या मिल जाएगा आपको, हाफ हाफ वन और माइनस वन खत्म, फिर वैसे ही आप टू रखोगे तो टू रखते ही आपके पास हाफ और हाफ वन और माइनस वन, ये भी खत्म। क्रिटिकल पॉइंट तो यही है ना यार, क्रिटिकल पॉइंट तो यही है, इसी को तो सॉल्व करके निकालो। तो अगर बेटा ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे थे तो f डबल डैश करने पर अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब x इक्वल टू माइनस वन एंड x इक्वल टू टू बोथ आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये जो बोला जा रहा है ना कमेंट ऑन द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो बच्चों ये जो दोनों ही पॉइंट्स हैं बोथ द पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, और अगर बच्चों ये लोकल मैक्सिमा के पॉइंट से मतलब ऐसे कॉनकेव डाउन वाला कर्व होगा, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे यार, अगर फायदा हो रहा है पसंद आ रहा है तो यार कमेंट्स में बताइए आप मुझे। अगला बेटा अपने पास देखिए जो क्वेश्चन लिखा है उसमें दिया हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ Extreme points of the function, total number of extreme points of the function fx is equal to x square plus 4 cos x plus 5 in minus infinity to infinity है ना, ऐसा लिख लो आप, x belongs to minus infinity to infinity, find the total number of extreme points। अब समझने की कोशिश करिए बच्चों एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब क्या होता है, फॉर एक्सट्रीम पॉइंट्स आप सबको ये बात की जानकारी है कि यार f'x की वैल्यू जीरो होती है, हम सबको इस बात की जानकारी है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए f'x की वैल्यू जीरो होती है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा कितना, अगर मैं इसका डेरिवेटिव देखूं तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर का 2x, 4 cos x का -4 sin x और 5 तो खत्म होके गायब। और अगर आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स की चर्चा करनी है तो आप इसको जीरो से इक्वेट करें तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 sin x इज इक्वल टू x या sin x इज इक्वल टू x बाय 2, सॉल्व करके आप देख लीजिए, जैसे आप इसको उधर लेके जाओगे बेसिकली ये 2 से एक फैक्टर मैंने काटा तो 2 sin x is equal to x या sin x is equal to x by 2,
ये हमारे पास आ रहा है इन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। आपको ये देखना है कि ये कितनी बार हो रहा होगा, ये जितनी बार हो रहा होगा उतने इसमें एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। तो देखो बच्चों साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये आपके पास साइन एक्स का ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। यहां से अगर मैं इसको बनाऊं ऐसा, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का अगर मैंने ये ग्राफ बनाया तो मुझे पता है पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू आती है वन, पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू आती है वन, और माइनस पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू आती है माइनस वन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है अपने को, ये बात हमको पता। तो ये साइन एक्स के ग्राफ और एक्स बाय टू का ग्राफ कैसा होगा, बेसिकली आप इसको सॉल्व कैसे कर रहे हो, आप इसको दो ग्राफ के लेके सॉल्व कर रहे हो, आप वाई इक्वल टू साइन एक्स भी बना रहे हो और आप वाई इक्वल टू एक्स बाय टू भी बना रहे हो, और आप देख रहे हो कि यार ये दोनों कितनी बार मिलते हैं, ये दोनों का इंटरसेक्शन कितनी बार होता है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का और वाई इक्वल टू एक्स बाय टू का। तो साइन एक्स का ग्राफ तो मैंने बना दिया, अब मैं बोलता हूँ वाई इक्वल टू एक्स बाय टू का अगर बेटा मुझे ग्राफ बनाना है तो यार आपको ये बात तो देखो पता है कि x by 2 वाला ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी या ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, मेरे को तो नहीं पता स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, अभी तो मेरे को ये नहीं पता है। तो अगर बच्चों ये चीज की अपने को जानकारी नहीं है तो आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए आप पॉइंट रखे, देखिए जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो आएगी, मतलब एक पॉइंट तो ये होगा ओरिजिन से तो पास होगी, पाई बाय टू पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम पाई बाय टू पर बात करें जब आप एक्स की जगह पाई बाय टू रखेंगे तो ये पूरी चीज पाई बाय फोर हो जाएगी, अगर ये बेटा पूरी चीज पाई बाय फोर हो जाएगी तो पाई बाय फोर क्या होता है, पाई बाय फोर होता है आपके पास एंगल मत बोल देना 45 डिग्री, पाई बाय फोर अगर आप रेडियन में बात करोगे तो पाई होता है 3.14, 3.14 डिवाइडेड बाय 4, जो भी होगा 1 से छोटा होगा, जो भी होगा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। और वैसे ही यहां पर अगर आप यहां पर बोलोगे माइनस पाई बाय टू रखते ही, तो माइनस पाई बाय टू रखते ही दिस विल बी माइनस पाई बाय फोर, मतलब माइनस 3.14 डिवाइडेड बाय 4, तो जो भी होगा ये माइनस 1 से बड़ा ही होगा, ऐसा यहां पर कुछ आएगा। तो यार मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ना ये यार कुछ ऐसी होगी स्ट्रेट लाइन, कुछ इस पैटर्न की बेटा ये स्ट्रेट लाइन आपके पास बनेगी, दिस इज द लाइन y इक्वल टू x बाय टू, दिस इज द लाइन y इक्वल टू x बाय टू एंड दिस इज द कर्व y इक्वल टू sin x। मैंने क्या बोला, मैंने बोल दिया चेक चेक एट x इक्वल टू पाई बाय टू, तो पाई बाय टू पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय फोर, और पाई बाय फोर जो होता है वो वन से छोटा होता है, तो वन से छोटा होता है ये वाला पॉइंट आ गया, फिर माइनस पाई बाय टू पर चेक करोगे तो माइनस वन से बड़ा आ जाएगा, तो यहां पर पॉइंट आ गया। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका मिलन, ये दोनों ग्राफ का मिलन कितनी जगह हो रहा है, ये दोनों ग्राफ का मिलन बेटा हो रहा है आपके पास तीन जगह, ये दोनों ग्राफ का मिलन आपके पास हो रहा है तीन जगह। अब मैं वाला पॉइंट हटा देता हूं पाई बाय टू वाला, अब तो नॉर्मली आपके ग्राफ बन चुका है, तो आप देख सकते हैं तीन जगह इनके इंटरसेक्शन हो रहा है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये अपनी दुनिया में चलता रहेगा, इधर ही अपनी दुनिया में चलेगा, और साइन एक्स तो बेचारा यहीं पर घूम रहा है, तो इनका इसके बाद तो कहीं पर भी मिलाप होगा नहीं। तो अगर और कहीं पर भी नहीं होगा तो आप क्या बोल सकते हैं, फाइनली इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो टोटल थ्री सॉल्यूशंस, टोटल थ्री सॉल्यूशंस। तो अगर तीन सॉल्यूशन टोटल आएंगे तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा तीन। इसके बच्चों टोटल तीन एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे, कौन कौन से होंगे यहां वाले वो आप अभी नहीं निकाल सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हो कि एक उसका जीरो होगा और एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, इतना आप 100% बोल सकते हो, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा, फाइनल आंसर विल बी थ्री इन दिस केस। चलिए एक अपन आखिरी बच्चों सवाल करते हैं आज के लेक्चर का, एक लास्ट सवाल जेई एडवांस के लेवल का, उसके बाद फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे। क्वेश्चन बच्चों अपने पास लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, आप लिख सकते हैं जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है अपने पास लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस टू, ये एफ एक्स है, एंड जी डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री।
ये अपने पास बच्चों दिया हुआ है जी डैश एक्स। अब क्वेश्चन में लिखा है इफ एन वन एन टू एन थ्री, इफ एन वन एन टू एन थ्री डिनोट द नंबर ऑफ, डिनोट द नंबर ऑफ, इफ एन वन एन टू एन थ्री डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, उसके बाद है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मिनिमम तो बेटा देखो ऐसे ही लिखा है, बाकी तो जितना आएगा उतना ही आएगा। मिनिमम लिखे या नॉर्मली लिखते नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, जितने आने उतने ही आएंगे। एंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन फॉग एक्स, ऑफ द फंक्शन फॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। अब बच्चों मैं ये बोलूंगा कि आधे से जो ज्यादा जनता होती है ना वो तो यार सवाल देख के छोड़ देगी, सवाल देख के छोड़ देगी, ये क्या लिख दिया, ये इतना सारा फैक्टर एफ एक्स फॉग एक्स मिनिमम मैक्सिमम इन्फ्लेक्शन एन वन एन टू एन थ्री, आधे से ज्यादा जनता सवाल देख के छोड़ देगी कि बस के बाहर कर। जबकि मैं बोलता हूं इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप में से अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस सवाल की प्रोफाइलिंग देख के बोले कि सर ये तो नहीं बनेगा सवाल, तो मुझे कमेंट बताओ कि आप में से कितनों को ऐसा लगता है कि यार हाँ सर जेई एडवांस में सवाल आसान होता है लेकिन सिर्फ प्रोफाइलिंग डिफिकल्ट होती है। आप में से कितने बच्चों को ऐसा लगता है मुझे कमेंट में आप बताइए। देखिए अप्रोच बच्चों, अप्रोच बहुत सिंपल सा है, कंसेप्ट आप स्ट्रांग रखिए, कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहिए। क्या लिखा है, ये सब फालतू की बात है, आप मुद्दे पे आओ कि फंक्शन आपको दिया हुआ है फॉग एक्स, है ना। मान लेते हैं एच एक्स अपने पास फंक्शन है विच इज फॉग एक्स, ये अपने पास दिया हुआ है और आपको बोला जा रहा है कि n1 n2 n3 डिनोट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा और मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इस फंक्शन के। अब अगर आपको इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्शन देखना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये बात तो सबको पता है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई साहब अगर ये एक फंक्शन दिया है और हमको मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्शन की चर्चा करनी है तो इसका डिफरेंशिएशन करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, तो डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे एच डैश एक्स आपके पास क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए एच डैश एक्स विल बी कंपोजिट फंक्शन है तो एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, यही आएगा कंपोजिट फंक्शन। अब यहां पर बेटा देखो एक ऑब्जर्वेशन, जब आप इस सवाल को करोगे तो एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको लगाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। वो क्या है ऑब्जर्वेशन, ये है कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस टू, ये हमारे पास दिया हुआ है एफ एक्स फंक्शन। तो जरा सोच के देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स विल बी थ्री नीचे तो एक्स स्क्वायर, टू नीचे तो प्लस एक्स और प्लस वन, ये आएगा आपके पास एफ डैश एक्स। क्या ये सारे बच्चों को पता नहीं है क्या कि यार ये तो हमेशा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अगर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमेशा ही पॉजिटिव आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पॉजिटिव मतलब क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, देख लो ये इसका मतलब है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ रही है एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो, हमेशा आपको जो एक्स रखना आप रख लीजिए ये हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि इसका मतलब एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। तो अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है चाहे आपको जो भी एक्स रखना आप उसके लिए रख लो, तो किसी भी एक्स के लिए अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जी एक्स जो होगा वो भी तो इंक्रीजिंग होगा। अगर आप इस एक्स के बदले जी एक्स रख दो तो एफ ऑफ जी एक्स भी तो इंक्रीजिंग होगा, तो दिस इंप्लाइज एफ डैश जी एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा ना। देखो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, अगर ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव था तो एफ डैश जी एक्स भी तो पॉजिटिव होगा,
तो भाई साहब अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स की चर्चा में आप देखिए एच डैश एक्स जो था, एच डैश एक्स आपके पास क्या था, एच डैश एक्स आपके पास था एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि क्योंकि आपके पास एफ ऑफ जी एक्स भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ एक्स इंक्रीजिंग था हमेशा फॉर ऑल एक्स, तो एक्स के बदले अगर आप जी एक्स भी रख दोगे तब भी इंक्रीजिंग आएगा, तो एफ डैश जी एक्स पॉजिटिव आएगा। मतलब ये जो पूरी चीज है दिस मस्ट बी पॉजिटिव, ये वाली जो बच्चों चीज है दिस मस्ट बी पॉजिटिव। और अगर ये वाली चीज आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, इसका मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट जो भी डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, सिर्फ ये वाला जी डैश एक्स आपका क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड करेगा। और क्रिटिकल पॉइंट तो यार जी डैश एक्स आपके पास दिया हुआ, तो जी डैश एक्स अगर ये सब कुछ डिसाइड करेगा, इसको कुल मिला के इसके सारे क्रिटिकल पॉइंट अगर जी डैश एक्स को डिसाइड करने, तो जी डैश एक्स क्या लिखा है मेरे पास, जी डैश एक्स मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, मतलब ये लिखा है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, फैक्टराइज कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, मतलब ये लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू, बिल्कुल सही, और एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, तो माइनस टू एक्स और माइनस, ये लिखा हुआ है जी डैश एक्स को मैंने पूरे को फैक्टराइज कर दिया, दिस इज योर जी डैश एक्स। तो यहां से आपके पास ये क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री एक दो तीन, दिस इज एक्स माइनस थ्री का क्यूब, एक्स प्लस थ्री एक इंटू एक्स प्लस थ्री एक बार, फिर एक्स माइनस वन एक दो, तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस टू एक बार और एक्स प्लस वन एक बार, कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, टोटल मेरे पास पांच क्रिटिकल पॉइंट आ गए बेटा। और ये जो जी डैश एक्स है ये एच डैश एक्स के टोटल क्रिटिकल पॉइंट कितने आएंगे, जितने जी डैश एक्स के, क्योंकि ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके टोटल क्रिटिकल पॉइंट उतने ही होंगे जितने जी डैश एक्स के, और जी डैश एक्स के मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिख लिए, तो नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लो, सबसे छोटा माइनस थ्री, माइनस थ्री के बाद आपके पास आएगा कौन सा पॉइंट, माइनस थ्री के बाद माइनस टू है नहीं माइनस वन, माइनस वन के बाद जीरो है नहीं, फिर वन फिर टू फिर थ्री, वन टू और थ्री, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है। जरा बच्चों आप आराम से इसमें सोच के देख लीजिए कि अगर आप थ्री से बड़ा कुछ भी लेंगे, थ्री से अगर बेटा आप बड़ा कुछ भी लेंगे तो आपके पास जी डैश हमेशा क्या मिलेगा, थ्री से अगर आप बड़ा बेटा कुछ भी लोगे तो थ्री से बड़ा लेने पर देखो ये पूरी चीज क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अगर ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी तो थ्री से बड़े में ये पॉजिटिव, अगर जी डैश एक्स आपके पास पॉजिटिव आ रहा है मतलब जी एक्स इंक्रीजिंग होगा, अगर जी डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है मतलब एच डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एच डैश एक्स पॉजिटिव होगा मतलब की एच एक्स आपका इंक्रीजिंग आ जाएगा, समझ पा रहे हो, मैक्सिमा और मिनिमा के आपके बेटा अगर पॉइंट बताने तो कुल मिला के इसी को तो बस सॉल्व करना है, ये जितना भी आपको बेटा बोला गया ये जो आपके पास एच एक्स फंक्शन है, इस एच एक्स फंक्शन में अगर आपको मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है, इन्फ्लेक्शन की बात करनी है, तो ये एच एक्स का बिहेवियर कौन डिसाइड करेगा, एच डैश करेगा, अगर एच एक्स है एच एक्स का बिहेवियर कौन डिसाइड करता है, एच डैश करता है, और अगर एच डैश इसका बिहेवियर डिसाइड करता है तो एच डैश अब किस पे डिपेंडेंट है, जी डैश पे, तो मैं जी डैश को सॉल्व कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। थ्री से जस्ट पहले अगर आप लोगे बेटा तो थ्री से जस्ट पहले में देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, थ्री से जस्ट पहले में बच्चों ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, बाकी सब पॉजिटिव, तो अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव, फिर टू से जस्ट अगर आप बढ़ा लोगे तो ये अभी भी नेगेटिव है लेकिन ये बाकी पूरी की पूरी चीज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, लेकिन अगर आप टू से थोड़ा सा छोटा लेते तो टू से थोड़ा सा छोटा लेने पर देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया पूरा, और टू से थोड़ा सा छोटा लेने में ये भी जो पूरी की पूरी चीज है ये पूरी की पूरी चीज आपके पास पॉजिटिव रहेगी, है ना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, टू से थोड़ा सा छोटा में ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो आपके पास ये हो गया आपके पास पॉजिटिव, ये आ गया आपके पास। सिमिलरली अगर हम वन पर चेक करें तो वन पर चेक करने पर देखो क्या आ जाएगा, वन पर जैसे आप बेटा चेक करोगे वन से थोड़ा सा बड़ा तो वन से थोड़े से बड़े में ये पॉजिटिव, वन से थोड़े से बड़े में ये नेगेटिव, वन से थोड़े से बड़े में ये नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा प्लस आएगा, आना ही था इस इंटरवल में प्लस। वन से अगर मैं थोड़ा सा छोटा लूं तो वन से थोड़े से छोटे में देखो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, वन से थोड़े से छोटे में ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये मिला के पॉजिटिव, बाकी दोनों भी पॉजिटिव है, तो यहां प्लस आ जाएगा। अब माइनस वन से अगर आप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं तो माइनस वन से बच्चों अगर आप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं
तो ये वाली चीज आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाली चीज आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन से अगर आप बढ़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव, और उसके बाद ये जो है ये आपका नेगेटिव है, ये वाली जो बेटा फैक्टर ये भी नेगेटिव है, तो ये दोनों मिला के ही पॉजिटिव, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, और ये वाला जो आपका फैक्टर ये पॉजिटिव है, तो ये पूरी की पूरी चीज प्लस आ रही है आपके पास, वैसे भी ये प्लस आना ही था। अब अगर मैं माइनस वन से भी छोटा लूं, तो माइनस वन से छोटा लेते ही आपके पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तीन फैक्टर नेगेटिव है, तो पूरा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव आएगा। फिर माइनस थ्री से अगर मैं बढ़ा लूं, तो माइनस थ्री से बढ़ा लेने में ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये वाला जो फैक्टर है आपका, और ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, तो तीन फैक्टर नेगेटिव है। फिर ये वाले फैक्टर को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माइनस थ्री से अगर आप बढ़ा लेते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो तीन नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव आएगी पूरी चीज। और जैसे आप माइनस थ्री से भी बेटा छोटा ले लेते हो, माइनस थ्री से भी छोटा, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो चार नेगेटिव, मतलब ये मिला लेंगे पॉजिटिव बन जाएंगे। बहुत सिंपल सा है, देखो साइन पूरे इंटरवल में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आता ही आपको ये देखना। अब जैसे बेटा हम इसको ध्यान से देखेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है स्लोप, मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ये मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, दिस इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, अगेन मैक्सिमा का पॉइंट है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब मिनिमा का पॉइंट है। आप बना सकते हैं, देख लो, पहले आपके पास आ रहा है मैक्सिमा, फिर आ रहा है मिनिमा, फिर आ रहा है इन्फ्लेक्शन, उसके बाद फिर आ रहा है मैक्सिमा, फिर आ रहा है मिनिमा, पैटर्न चल रहा है ना, पैटर्न चल रहा है। देखो मैक्सिमा आया, फिर मिनिमा आया, फिर इन्फ्लेक्शन आ गया, फिर मैक्सिमा आया, फिर मिनिमा आया, क्योंकि आपको पता है दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा आना जरूरी है, दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा आना जरूरी है। तो अगर मान लो मुझसे ये पूछ लिया जाता कि एग्जैक्टली वो पॉइंट्स भी आप आइडेंटिफाई करो जिन पॉइंट पे आपका मैक्सिमा और मिनिमा हो रहा है, तो माइनस थ्री पे और टू पे, x इक्वल टू माइनस थ्री पे और x इक्वल टू टू पे आपके पास बच्चों मैक्सिमा आ रहा है, फिर मिनिमा अगर आप बोलोगे तो माइनस वन पर और थ्री पर, माइनस वन पर और थ्री पर आपके पास मिनिमा आ रहा है, और इन्फ्लेक्शन आ रहा है आपके पास x इक्वल टू वन पर, ये आपके पास आ रहा है इन्फ्लेक्शन। तो हमारे पास क्या था, n1, n2, n3 denote the total number of local maxima, number of points of local minima, number of points of inflection। तो यार देख लो, maxima 2, minima 2, inflection 1, तो answer इसका क्या आ जाएगा, n1 plus n2 plus n3 will be, answer is 5, ठीक है। देखो basically मेरे पास जैसे ये पांच critical point आए थे, मैं directly answer 5 बोल सकता था, क्योंकि पांचों पॉइंट ही कोई मैक्सिमा होगा, कोई मिनिमा होगा, कोई इन्फ्लेक्शन होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। ये मैंने आपको करके सिर्फ इसलिए बताया कि आपको प्रैक्टिस रहे कि अगर इस सवाल का थोड़ा और वेरिएशन होता तो आप अप्रोच कैसे करते, अदरवाइज इसका आंसर पांच तो मैं यहीं से देख के बोल सकता था कि यार पांच क्रिटिकल पॉइंट है तो आंसर पांच होगा, कोई मैक्सिमा का होगा, कोई इन्फ्लेक्शन का होगा, कोई मिनिमा का होगा, खत्म सवाल, फाइव तो तुरंत आंसर आ गया था। लेकिन ये जो पूरा हमने प्लस माइनस का खेल किया वो क्यों किया, अगर मान लो पूछ लिया तो बताओ टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा के पॉइंट्स कितने हैं, तो आंसर पता होना चाहिए दो, वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे। टोटल नंबर ऑफ मिनिमा के पॉइंट्स कितने हैं, तो दो। इन्फ्लेक्शन के टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, तो एक। इसी में अगर मान लो आपको बोल दिया होता कि 2n1 plus 3n2 plus 5n3 इसकी वैल्यू बताओ, तो आपको इंडिविजुअल वैल्यू पता होनी चाहिए थी ना, इंडिविजुअल वैल्यू अगर नहीं पता होती तो आप कैसे इसको सॉल्व करते, ठीक है। तो सवाल का वेरिएशन देखो कैसा भी हो सकता है। मैंने आपको दिखाया है कि लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक सवाल कराया था, सेम सवाल मैंने आपको आज भी कराया, फंक्शन सेम बना, कंडीशंस थोड़ी सी अलग दी थी लेकिन फंक्शन सेम बना, और उसने आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पूछ लिया। तो कैसा भी बच्चों सवाल आ सकता है, हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो ये था बेटा जेई एडवांस लेवल का सवाल, मेरे हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन था। तो इसके साथ बच्चों हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं, और बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और आपने कुछ भी आज नया सीखा हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आज आपने मुझसे क्या नया सीखा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को बेटा शेयर भी करें ताकि उन सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से हो पाए। थैंक यू।